गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज है नेक्स्ट डे और आज है संडे। तो आज है हम जहाजपुर, रात को हमने जहाजपुर स्टे किया था। अभी हम हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं जहाजपुर मंदिर के दर्शन करना। चीकू ने कौन सी ड्रेस पहनी है आज? ये वाली। वाओ, हेलो बोलो पहले। हेलो, आज हम जा रहे हैं मंदिर। वाह, मुझे कितनी अच्छी फ्रेंड भी मिलेगी। और आज मैं फ्रेंड मेरे साथ बहुत सारा खेलेगी, फिर मैं खेलूंगी मैं भी। चलिए, सब लोग रेडी है, मूवी भी रेडी है, दोनों भी रेडी है और चीकू भी रेडी है, सब लोग रेडी है। हम निकलते हैं और दर्शन करके हम करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज का वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है। चलो, मधुमक्खी की रानी। देख सकते हैं आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ये रही हमारी गाड़ी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मंदिर और भीड़ आप देख सकते हैं चप्पलों से। नित्य स्लीपर उतारो। ये देखिए, मम्मी आओ, चलो जल्दी आओ, मम्मी आओ। ठीक हो, जल्दी आ। दोस्तों, यहाँ पर आया है पोहा। वो कितना है? ये है कड़ी कचौड़ी, यहाँ की फेमस। देखिए, ये है हमारा ब्रेकफास्ट। मम्मी खाओ। मैं आपको कैसा लगा मंदिर? बहुत सुंदर, बहुत अतिशयकारी मंदिर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर मंदिर है। फ्रेंड्स, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और यहाँ पर मिलती है कड़ी कचौड़ी और पोहा, चाय, समोसे और पैकेट फूड आप कुछ भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए चिप्स की बहुत शॉप है, आइसक्रीम की शॉप है, जो आप देख सकते हैं। और मेरा पोहा और कड़ी कचौड़ी फेमस है। और कभी आप जहाजपुर आएँ तो यहाँ की भुजिया ज़रूर ट्राई करना, यहाँ की भुजिया बहुत फेमस है। हमने भी एक पैकेट लिया है, तो भुजिया बहुत टेस्टी है, मतलब डिफरेंट टेस्ट है यहाँ का और अच्छी है। तो बस अब हम निकलेंगे, बिजोलिया पारसनाथ जाएंगे। अब हम जाएंगे बिजोलिया पारसनाथ के लिए। और इन बच्चों ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ आइसक्रीम ही खाया। कौन सी आइसक्रीम है? ये है। और ये है यहाँ की भुजिया, इसमें ना बूंदी मिक्स होती है, आप देख सकते हैं इसमें ना बूंदी है। तो कभी यहाँ है ना, जयपुर में भी मिलती है ये। तो ये है, इसे तो वनीला चाहिए। वनीला ये लाए हैं जलेबी। खेल की बारिश, पानी और क्या, पहले खड़ी करके पैदल जाके खेल की बारिश स्टार्ट कर देना। रास्ता नहीं आगे, बंदे चमलेश्वर पाशनाथ जैन मंदिर जाना जी। चमलेश्वर पाशनाथ जैन मंदिर कहाँ पे? चमलेश्वर पाशनाथ जैन मंदिर सावर।
फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं चावलेश्वर दिगंबर जैन और आप देख सकते हैं देख तू भी निकल जाती ना ला वीडियो बनाऊं तेरी चलो 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 कह दे भैया से चावल अम्मा को दो भाई। तो हम आए हैं यहाँ पर आप व्यू देख सकते हैं ऊपर जाके मंदिर इस तरह से चलो आओ सुनो तो देखिए जय जिनेन नित्य साइड में को अच्छा ऐसे हैं चलो 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 चीकू चलो देख उन्होंने तो कैसी मूर्ति है देख आओ चीकू पीछे आओ यहाँ का खाना भोजन का भोजनालय का घिया चने की दाल खिला दो चलो जल्दी आओ चलो भाई चलो चलो फिर रात को पहुंचेंगे चलो 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 चीकू चीकू तो उड़ के वहां पहुंच जाएगी हैं अब बिजोलिया पारसनाथ के मंदिर
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और घर की भी याद आ रही है। देखिए गाइस, चिकू कैसे खुश हो रही है, नित्या देखिए कैसे खुश हो रही है। नहीं मत छेड़ो। और चीकू इतनी बिग बेबी हो गई है यहाँ आते आते कि चीकू ना अपने आप ही चल रही है बिना हाथ पकड़े। ये वहाँ पर थी सिद्ध शिला करके, और ये ना बहुत ही उभरा हुआ पत्थर था जो कि ऊपर से बरसाए गए थे। और इस पत्थर पे ना बहुत सारे, मतलब पता नहीं कितने, मैं भूल गई अब तो, बहुत सारे मंत्र लिखे हुए थे। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा पूरे पत्थर पर, इस पर ना मंत्र जाप वगैरह लिखी हुई थी बहुत सारी। तो ये देखकर मतलब बहुत अच्छा लगा। और बाहर ना इसके बारे में भी लिखा हुआ था, आई थिंक मैं उसकी वीडियो शूट करना भूल गई, क्योंकि उस टाइम ना मतलब नई जगह हम आए थे, फर्स्ट टाइम यहाँ के हमने दर्शन किए थे। सब जगह की जितनी भी मैंने आप व्लॉग सीरीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, तो ज़्यादा ध्यान था मेरा दर्शन करने में, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर मंत्र लिखे हुए हैं पूरे पत्थर पर। ये कोई जमाने में रेवती में जूते शू शू नदी है कोई रेवती नदी बता तो रहा है। आराम से आराम से टेढ़ा मेढ़ा चल ठीक हो आ जा। चल ना देखो यहाँ से चढ़ के देखो प्रीति यहाँ से चढ़ के। हाँ ये है गुफा, ये है गुफा। हाँ देखो जाते रहे सब, चलो इसमें चलेंगे। हाँ। यहाँ से वहाँ से जाएंगे उधर से पल्ली तरफ। नहीं इधर से गए थे हम तो, गए नहीं। चलो चलो हाँ मनी मैं कह रही अभी तीन चार नहीं गए ये रहा। जाने का रास्ता बोल रहा है या आने का है? हाँ है जाने का पर नहीं बोल रहा जाने का। हाँ तो अच्छे बेबी मैंने इधर चीकू आओ। हाँ।
बना रखी है मेरी। हाथ पकड़ो। पहुंच गए हैं बिजोलिया पारसनाथ और आप देख सकते हैं हम जाएंगे अभी इस वाली सुरंग में और वहां है भगवान जी की मूर्ति और ये देख सकते हैं फाउंटेन और फिर यहां से हमें निकलना है वापस यहां से। चलिए चलते हैं।